लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंप्यूटर जगत न्यूज, मैं हूं आपके साथ सीमा। किसान बचाओ गाय बचाओ पदयात्रा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले बुंदेलखंड के ललितपुर गांव में एक गौशाला में 100 गौवंश के कंकाल मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन छेड़ा था, जिसके चलते आज लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर किसान बचाओ गाय बचाओ पदयात्रा निकाली थी। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया, तो वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके का तानाशाही रवैया भाजपा सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, ये कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पार्टी लगातार विपक्ष में रहते हुए और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाते हुए सत्ता में आई, आज वो कांग्रेस जनों को इसलिए हाउस अरेस्ट और कांग्रेस नेताओं को इसलिए नजरबंद कर रही है कि वो किसानों की आवाज उठा रहे। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा खूब करते हैं किसानों के नाम पर। आखिर MSP कानून का हिस्सा क्यों नहीं? MSP को भी एक डेडलाइन बढ़ा दो आप कानून के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के हितों को मारा जा रहा है। लगातार 30 दिन से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए, कांग्रेस पार्टी का ये घोषित कार्यक्रम था, उसके बाद इस तरीके का रवैया भाजपा सरकार का और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का पूरी तरीके से हिटलरशाही रवैया है। गाय के नाम पर आप बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन लगातार जो गायों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में हो रही है, इसको लेकर जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे, अगर कांग्रेस पार्टी अपना कोई कार्यक्रम रखती है, पूर्व से घोषित कार्यक्रम रखती है, इसमें यदि इस तरीके की तानाशाही की जाती है, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है।